योगी ने भी ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ मायावती ने भी ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना व्यक्त की। तो केरल में बड़ा विमान हादसा हो गया, पायलट में तकरीबन 14 लोगों की मौत हो गई है। और इस बीच आपको केरल विमान हादसे को लेकर अपडेट दे रहे हैं कि लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हादसे में 16 लोगों के मरने की अनाधिकारिक सूचना, मृतकों में पायलट दीपक वंसत साठी भी शामिल है। रनवे से फिसलकर काफी दूर तक गया विमान और इस विमान के दो टुकड़े हो गए। दीवार तोड़कर 35 फीट नीचे गिरा है विमान खाई में। तो आपको इस हादसे से जुड़ी अपडेट दे रहे हैं और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और मृतकों में दो पायलट भी शामिल हैं। रनवे से फिसलकर काफी दूर गया विमान, दीवार तोड़कर 35 फीट नीचे गिरा है विमान। तो लगातार के न्यूज आपको अपडेट दे रहा है। अब मृतकों की संख्या 16 हो चुकी है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, मौके पर मौजूद है। लगातार राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। हादसे में अब 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में पायलट दीपक वंसत रासाठी भी मौजूद है, वो भी इसमें शामिल है। और बता दें आपको कि दो पायलट समेत 16 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। एक छोटी बच्ची भी मिली थी दुर्घटनाग्रस्त पर, तस्वीरें भी आपने उस बच्चे की देखी थी। फिलहाल बच्ची को गंभीर चोट घायल जरूर हो गई है, उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो ये रनवे से फिसलकर काफी दूर गिरा विमान, टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा सीधे नीचे खाई में जाकर गिरा। तो इस हादसे के चलते टुकड़े हो गए। और बता दें आपको कि अब तक 16 मौत हो चुकी है और इस हादसे की मेन वजह यह बताई जा रही है कि भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। रनवे पर विमान फिसल गया, पायलट उसे कंट्रोल नहीं कर पाया विमान को, जिस वजह से यह हादसा हो गया। तो केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हो गया। यहाँ एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया और इसकी वजह भारी बारिश बताई जा रही है। और अब तक हादसे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, पुलिस विभाग मौके पर मौजूद है, अधिकारी गण मौके पर मौजूद है। लगातार राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और बता दें आपको इस विमान में तकरीबन 191 यात्री शामिल थे और अब जो मृतकों की संख्या है वो 16 पहुंच चुके, यानी अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, यह जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अभी भी यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि पुलिस लगातार वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य कर रही है। बता दें आपको यह विमान दुबई से आ रहा था, लेकिन जब यह कोझिकोड पहुंचा, जब इसने लैंडिंग की विमान ने, तो यह हादसा हो गया भारी बारिश के चलते। तो बता दें आपको कि एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा। तो एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी पूरी का कैसे यह हादसा हुआ, क्या क्या वजह रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें यह भी निकल कर आ रहा है कि पायलट को कंट्रोल करना चाहिए था। हालांकि जो दो पायलट थे काफी एक्सपर्ट थे, उनको काफी एक्सपीरियंस था, लेकिन विमान को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि न्यूज आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर विमान हादसा हो गया
ये आप तस्वीर देख सकते हैं एयरपोर्ट की। मौके पर काफी डॉक्टर्स मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। जो लोग घायल हो गए उनको एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए लेकिन कुछ लोगों को बचा लिया गया है। जो लोग घायल हो गए उनको अस्पताल पहुंचा दिया जा रहा है। और फिलहाल की अपडेट ये है कि अब 14 नई बल्बों की मौत हो चुकी है। हो सकता है ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाए क्योंकि अभी भी मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, राहत बचाव। तो एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पंद्रह यात्री और दो पायलट की फिलहाल मौत हो चुकी है, जिसमें कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, अधिकारीगण मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर वो बचाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें आप सीधे लाइव केरल से देख सकते हैं, जहां पर काफी डॉक्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे, पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। तो फिलहाल की अपडेट यह है कि अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो केरल के सीआईएसएफ महानिदेशक का बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको भी दिखा देते हैं। तो इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, सीआईएसएफ के बयान सामने आया है, बचाव कार्य सीआईएसएफ के जवान। हादसे की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये वो नंबर है तो सीआईएसएफ के महानिदेशक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य में सीआईएसएफ के जवान जुटे हुए हैं और उनकी तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो हादसे की जानकारी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आप देख रहे हैं केरल से, जहां पर मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, सीआईएसएफ के जवान मौके पर मौजूद है, लगातार राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट यह है कि 16 लोगों की मौत हो चुकी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो सीआईएसएफ की तरफ से हादसे को लेकर नंबर भी जारी किए गए हैं। और इस बीच आपको राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं, विमान हादसे पर नागरिक उड़न मंत्री का बयान सामने आया है। हवाई हादसे से बहुत पीड़ित और व्यथित हूं, हरदीप पुरी ने विमान हादसे पर ट्वीट किया है। हवाई हादसे में से बहुत पीड़ित और व्यथित हूं, उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो हरदीप पुरी ने विमान हादसे पर ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं इस हादसे से काफी पीड़ित हूं और व्यथित। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।